नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा स्टॉक लेके आया हूँ जो कि आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा फायदा देने वाला होगा। जी हाँ दोस्तों, वह स्टॉक है आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड का। दोस्तों आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड का शेयर आज के दिन 20 रुपए पर बंद हुआ है। अगर आप लोग चाहें तो अभी इसमें पोजिशन बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड की बात की जाए तो यह टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी, 35 साल पहले। इसके जो फाउंडर हैं वे सुरेंद्र जो राजका जी हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं वो 20,000 से भी ज्यादा हैं। और दोस्तों यह इसके जो प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों आलोक इंडस्ट्रीज के, वे हैं होम टेक्सटाइल्स, रेडीमेड गारमेंट्स, पॉलिस्टर यार्न्स और भी दोस्तों ये बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है क्योंकि ये कपड़ा उद्योग से रिलेटेड कंपनी है। और दोस्तों ये अपना जो 26% जो प्रोडक्ट्स है वो 90 से भी ज्यादा देशों को एक्सपोर्ट करता है। जैसे दोस्तों अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, एशिया हो गया और अफ्रीका हो गया। यहाँ पे दोस्तों ये अपना 26% जो प्रोडक्ट्स है वो सप्लाई करता है। दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि आलोक इंडस्ट्रीज कुछ समय पहले दोस्तों दिवालिया घोषित हो चुका है और इसने दोस्तों बैंकरप्सी के लिए फाइल किया हुआ था। तो दोस्तों उस बैंकरप्सी में भाग लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दोस्तों इसके शेयर टेक ओवर किए हैं और जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड दोनों ने मिलकर दोस्तों इसके जो शेयर्स हैं वो टेक ओवर किए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के दोस्तों इसमें 40.01% की होल्डिंग, वहीं जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड की इसमें 34.99% की शेयर होल्डिंग है। दोनों मिलकर दोस्तों 75% की शेयर होल्डिंग रखते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो आलोक इंडस्ट्रीज दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज की ही एक इकाई है, उसी की कंपनी है क्योंकि अब रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इसको टेक ओवर कर लिया। मुकेश अंबानी जी ने दोस्तों इसको टेक ओवर कर लिया है। तो जो भी फैसले लिए जाएंगे वे मुकेश अंबानी जी लेंगे, उनकी वाइफ है जो नीता अंबानी जी वे लेंगी, जो अंबानी ग्रुप है वे फैसले लेगा और वे दोस्तों आलोक इंडस्ट्रीज में लागू होंगे। तो आने वाला समय दोस्तों इसका काफी अच्छा रहने वाला है। बजट में भी दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में हमारे वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा टेक्सटाइल्स कंपनियों के लिए बोला गया है कि उत्पादन क्षमता बढ़ाएं और 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे जिससे वर्ल्ड वाइड कंपटीशन को टक्कर दी जाए। तो दोस्तों अब आलोक इंडस्ट्रीज अपना उत्पादन क्षमता बढ़ाएगी और दोस्तों इसके जो प्रोडक्ट्स हैं दुनिया के कोने कोने में पहुंचने वाले हैं और इसको बहुत फायदा होने वाला है। और दोस्तों अभी क्वार्टरली रिजल्ट आया था जो भी काफी अच्छा आया है और आने वाला क्वार्टरली रिजल्ट भी दोस्तों काफी बेहतर ही रहने वाला है। तो आप लोग चाहें तो इसमें पोजिशन बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि चार्ट में भी 2008 में इसने हाई लगाया था 96.90 रुपए का, तो अभी काफी सस्ते रेट पर मिल रहा है। आप लोग चाहें तो यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं क्योंकि बाउंस बैक का चार्ट पैटर्न बन रहा है और आने वाले समय में दोस्तों आलोक इंडस्ट्रीज में बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या फिर दोस्तों कोई बहुत बड़ी दिग्गज विदेशी कंपनी भी इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकती है या फिर हो सकता है दोस्तों भारत सरकार की ओर से भी इसको कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिल जाए। तो दोस्तों आप लोग चाहें तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और पोजिशन बना सकते हैं। दोस्तों आप लोग आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड के स्टॉक को कैश में बाय कीजिए और इसके शेयर की जो डिलीवरी है वह अपने डीमैट अकाउंट में ले लीजिए। और दोस्तों आप इसको अगले 5 से 6 साल के लिए होल्ड कीजिए। दोस्तों अगले 5 से 6 साल में यह स्टॉक 435 रुपए तक जाता हुआ नजर आने वाला है। तो आप लोग चाहें तो अभी इसमें पोजीशन बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग अभी मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं बहुत ही जल्द एक नए स्टॉक का वीडियो लेकर आऊंगा जो कि आप सभी लोगों के लिए और भी अधिक फायदा देने वाला होगा। तो वह वीडियो दोस्तों आप सभी लोगों तक बड़ी आसानी से पहुंच जाएगा। तो दोस्तों आप सभी लोग अभी मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।